गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी रंजना आ गई है मेरे पास और हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली मेरे लिए ज़्यादा खुशी का बात नहीं है, मेरे लिए तो दुख का बात है क्योंकि मेरा खर्चा हो रहा है, लेकिन रंजना बहुत एक्साइटेड है। उसको बहुत दिन से एक एक्चुअली ब्लॉगिंग कैमरा चाहिए था, आज तक वो फ़ोन से ही करती थी, लेकिन हम लोग अभी अब्रॉड जा रहे हैं तो इसके लिए प्लानिंग किया था कि वीडियो अच्छा आना चाहिए और बहुत सारा वहाँ पे सब्जेक्ट है, तो अच्छे से एक कैमरा खरीदने का प्लान मैंने किया था। रंजना को भी बोला तो रंजना भी अभी एग्रीड है कि हाँ वो कैमरा से अभी वीडियो ले सकती है और आपके लिए कंटेंट भी अच्छे से आएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक ब्लॉगिंग कैमरा लेने, बेसिकली वो रंजना ही यूज़ करेगी, और ऐसा कुछ कैमरा लेंगे ताकि मैं जो अच्छे लेंस है मेरे पास वो यूज़ कर सकूं और एक ही लेंस दोनों कैमरा में लगे। तो शायद आप लोगों ने गेस किया हुआ है या कर पा रहे हो कि हम लोग कौन सा कैमरा लेने जा रहे हैं। बेसिकली मैंने जो प्लान किया है सोनी का ही ब्लॉगिंग जो कैमरा है ZV-EV10, जिसमें इंटरचेंजेबल लेंस रख सकता है, क्योंकि मैं तो लेंस अच्छा यूज़ कर ही रहा हूँ। हालांकि मेरे पास फुल फ्रेम लेंसेज है, लेकिन वो उसमें भी लग जाएगा और क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा आएगा, तो इसलिए ऐसा कुछ कैमरा ले रहे हैं ताकि एक लेंस दोनों कैमरा में लग जाए और लेंस का खर्चा डबल ना हो। तो चलिए जाते हैं और कैमरा लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि हम लोगों का अब्रॉड जाने से पहले और एक खर्चा क्या हो रहा है। ने लिया है सोनी का ZV-EV10 का फुल ब्लॉगिंग किट, ठीक है। इसका घर जाके अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मेरा जो मेरे पास जो लेंस है उसका CPL सर्कुलर पोलराइजिंग फिल्टर, ये इसका स्क्रैच गार्ड, एक USB, ये जो लिया है एक बेसिकली बैटरी को पावर बैंक से चार्ज करने के लिए, ये एक एडिशनल कार्ड SP256GB का, और ये मैंने ND फिल्टर लिया है मेरे कैमरे के लिए, तो इसका डिटेल्स भी बोलेंगे घर जाकर। और ये बैग इसके साथ सोनी का फी है, फी मतलब प्राइस तो लिया होगा जो भी है। रहमत के शौक से यही होता है। थैंक यू। जो है मेरा पुराना टीम सजाद रहमत, कितना दिन हो गया रहमत रिलेशनशिप में? 15 इयर्स मोर देन। हाँ, मोर देन दैट। तो वही चल रहा है अभी भी, वही चल रहा है। चलो थैंक्स। और अभी घर जाके हम अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे, लेकिन बहुत रात हो गया, आज करने का कोशिश करेंगे नहीं तो कल। कितना बजे आए थे हम लोग? 10:30 बज गए। A few moments later. अभी हम लोग आ गए घर और अभी हम लोगों ने जो आप लोगों से वादा किया था कि ये थोड़ा अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, रंजना भी एक्साइटेड है, वो उछल कूद कर रही है कि कब ये अनबॉक्सिंग होगा, उसको यूज करने का मौका मिलेगा। बेसिकली जो मैंने बोला था ये सोनी का ZV-EV10 है, स्पेशली फॉर ब्लॉगर्स, और इसमें आप इंटरचेंजेबल लेंस भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि मैंने रहमत के वहाँ से लिया है, मतलब नेशनल फोटोग्राफी से ही ये कैमरा और इंटर आज बहुत सारा और भी सामान खरीदा है, एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं मैंने क्या क्या लिया हुआ है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करते ही ऐसे अंदर में देखिए सारा जो इसका ब्लॉगर्स किट है, बेसिकली ये पूरा किट है, ब्लॉगर्स किट है, जिसमें कैमरा के साथ वायरलेस माइक और बैटरी और जो गिम्बल है वो और क्या क्या है, हाँ एक वाला ये माइक भी है। तो पूरा जो सेट है ब्लॉगिंग का वो पूरा अवेलेबल है। देखिए ऐसे दिखता है, अगर अनबॉक्सिंग करें तो ऐसे दिखता है बाहर की तरफ। यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं है, मेरे ख्याल से ये किट है तो कैमरा का जो सीरियल नंबर है इसके अंदर एक अलग से बॉक्स होगा उसमें मिलेगा। तो जो किट है वो ऐसे दिखता है। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। फर्स्ट ये निकला है चार्जर, फिर ये जो शूटिंग वायरलेस ग्रिप है ये बहुत ही काम का चीज है,
जो लोग ये कैमरा यूज करना चाहते हैं या सोनी का कोई भी कैमरा यूज करना चाहते हैं, किसी भी कैमरे के साथ ये जो किट है ये लगता है, मेरे ख्याल से तो लगता है। अभी देखेंगे, इसके साथ तो ट्राई करेंगे, मेरा जो अल्फा 7 मार्क 4 है उसके साथ भी ट्राई करके देखेंगे चलता है कि नहीं चलता। तो ये भी इसके साथ है और ये वर्थ बाइंग है, थोड़ा प्राइस ज्यादा है। प्राइस आप लोगों को जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन इसके साथ जो सामान है अगर उसको आप एक साथ ऐड करेंगे तो प्राइस बहुत ज्यादा है उसके हिसाब से। अगर किट बॉक्स लेते हैं तो बहुत ही कम में मिल जाता है। ये आपका माइक्रोफोन है, स्टीरियो माइक्रोफोन। ये आ गया वायरलेस माइक्रोफोन, ये बहुत ही अच्छा है, इसका रिसेप्शन है, बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छा है और क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये भी करीब 20,000 का कुछ आता है तो इस बॉक्स के अंदर तो बहुत ही फायदा है। और ये एक एडिशनल बैटरी भी दिया है जो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सब का बैटरी का लाइफ जो है वो अच्छा नहीं है। मैंने रिव्यू में भी देखा है और शॉप में रहमत को भी पूछा था, रहमत ने बोला कि एडिशनल बैटरी लेके जाइए, तो एडिशनल बैटरी इसके अंदर है तो और बैटरी लेने का जरूरत नहीं है। और अल्टीमेटली ये है, ये मैं बॉक्स जो है इसको हटा देता हूँ, और ये जो है ये है मेनली कैमरा, इसके अंदर मेन कैमरा है। और हाँ, जैसे मैंने बोला था, इसके यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर कैमरा का सीरियल नंबर है यहाँ पे, तो ये है, बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट सा बॉक्स है। चलिए इसको ओपन करते हैं और ये सारा सामान है एक एक करके इसको फिट करके। तो चलिए शुरू करते हैं अभी अनबॉक्सिंग। मेन कैमरा का छोटा सा बॉक्स है और इसके अंदर 64GB मेमोरी भी दिया हुआ है, मतलब कार्ड दिया हुआ है। लेकिन हम लोग एक्चुअली सफिशियंट नहीं है तो मैंने एक 256GB का बेटर कार्ड जो है एक्सट्रीम प्रो ये भी लिया है, ताकि बार बार कार्ड खत्म होने का डर ना रहे। तो ये भी, इसका भी मैं दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग। और एक चीज मैं बोलना भूल गया था पहले, ये जो है एक पाउच है, कैरिंग पाउच इसके साथ देता है सोनी। वेदर सील तो नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन काम चल सकता है, ओके टाइप से। तो चलिए मेन कैमरा को अनबॉक्सिंग करते हैं। ये हो गया अनबॉक्स्ड, ये है कार्ड, मेमोरी कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है। और ये जो है ये वारंटी कार्ड है इसके अंदर, और मैनुअल है जो हर कैमरा बॉक्स में रहता है। इसको खोलते हैं तो इसके अंदर, अगेन थैंक्स टू सोनी, नो प्लास्टिक, ये कुछ पेपर फिलिंग्स टाइप मटेरियल है। और ये ओके, यूएसबी चार्जर है। ये एक बैटरी है, बैटरी बहुत छोटा है, मतलब इसका जो है पावर बैकअप तो ज़्यादा देर नहीं रहेगा एनीवे, इसलिए दो बैटरी बहुत ज़रूरी है। इसका भी अंदर कुछ होगा, देखते हैं क्या है। ओके, माइक के साथ ये लगाने के लिए, अगर विंड आ रहा है तो विंड नॉइस रिड्यूस करने के लिए ये दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। ये चार्जर केबल है, ये एक छोटा सा स्ट्रैप है, और ये इसका पावर एडाप्टर केबल है। और ये जो है मेन कैमरा, ये है मेन कैमरा, देखिए बहुत छोटा है, बहुत लाइट वेट है और क्यूट भी है। और अगेन दिस इज नॉट प्लास्टिक, थैंक्स टू सोनी, कोई भी इसमें प्लास्टिक नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। तो ये है मेन कैमरा, बहुत अच्छा वरा सा स्क्रीन है और ये फ्लिप भी होता है सामने, ताकि आप ऐसे देख के कर सकें, देखिए ऐसे ऐसे देख के हम लोग कर सकें। तो कैमरा इंटरचेंजेबल लेंस है, तो लेंस आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, ये देखिए लेंस चेंज हो सकता है। और ये ई माउंट है, तो मेरा जो कैमरा है अल्फा 7 मार्क 4 उसका जो लेंस है, हालांकि वो
फुल फ्रेम लेंस आता है लेकिन इसमें लग सकता है। यहाँ पे एक हॉट शू है जहाँ पे आप माइक लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी एक एडिशनल माइक दिया हुआ है। तो ये है एंटायर कैमरा, और यहाँ पे बटन्स हैं, फंक्शन बटन्स हैं। इसका रिव्यू तो बहुत सारा आपको नेट में मिल जाएगा, इसलिए इसका पूरा डिटेल्स, ज़्यादा डिटेल्स में बोल के आप लोगों को बोर नहीं करूँगा। जस्ट देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। अच्छा, यहाँ पे सारे पोर्ट्स हैं जो HDMI है, USB है, और माइक का पोर्ट जो है यहाँ पे है। कैमरा का बिल्ड जो है बहुत ही अच्छा है, सॉलिड रगेड है, मतलब वो प्लास्टिक की सस्ता वाला फीलिंग नहीं है। वेरी थैंक्स टू सोनी, ये बहुत ही अच्छा फीलिंग है। और ये जो है, मैं आपको लोग जो बोल रहा था, अगर आप इसको यहाँ पे लगाते हैं तो देखिए, ये आप हमारा जो माइक है, माइक के ऊपर नॉइस ना आए इसलिए ये काम करेगा। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसके साथ मैं आपको माइक लगा कर भी दिखाऊंगा। ये खुल गया है अभी यहाँ पे, और अभी एक एक करके जो एडिशनल सामान है उसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये तो पावर केबल वगैरह है। अच्छा एक मिनट, इसका बैटरी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है, ये एक बैटरी, और एक बैटरी अलग से है। ये बैटरी, हाँ ये है, ये एक बैटरी अलग से दिया हुआ है, एडिशनल बैटरी, और ये इसका अंदर में एक बैटरी है। तो ये बहुत ही अच्छा बाई है, मैंने जैसे पहले आप लोगों को बोला था। चलिए इसको पहले एक बार ऑन करके देखते हैं। बैटरी को इंसर्ट कर लिया, ये पावर ऑन बटन है। तो चलिए अभी बाकी सामान जो है उसका भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। पहले ये इंटरेस्टिंग सा जो वायरलेस माइक्रोफोन है इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, जो ब्लॉगर्स किट बॉक्स में ही अवेलेबल है। इसका अलग से खरीदने जाते हैं तो करीब 20,000 के आसपास कुछ दाम है, लेकिन इसके साथ ये पूरा पैक में ही आता है। ये उसका USB चार्जर है, USB केबल है, चार्जर इसके साथ अलग से नहीं आता है कुछ में। और ये ऑडियो जैक है, और ये पाउच जो है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, इसमें से निकलता है। अच्छा, इसके साथ भी ये दिया हुआ है। देखिए ये जो है, ये एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये जाता है आपका इसके अंदर, और ये दोनों सेट है, एक माइक और एक रिसीवर है, और साइड में आपका देखिए यहाँ पे एंटेना का रेंज सिलेक्शन करना, ऑफ ऑन करने का ऑप्शन है, और यहाँ से ये जो जगह है यहाँ से आप चार्जिंग कर सकते हैं। केबल इसके अंदर दिया हुआ है, इसमें से चार्जिंग होता है। और ये हॉट शू माउंट के लिए इसके अंदर ऐसे ये चला जाएगा। और ये इसके अंदर ऐसे सेट हो जाएगा, ये क्लिप से आप क्लिप कर लेंगे, और ये विंड नॉइस कैंसिल करने के लिए भी दिया हुआ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सामान है, इंटरेस्टिंग चीज है। चलिए इसको अभी साइड करके देखते हैं और क्या क्या अवेलेबल है बॉक्स में। स्टीरियो माइक भी अवेलेबल है, मतलब आप अगर रोड में नहीं है और इंडोर है तो स्टीरियो माइक भी इसके अंदर दिया हुआ है, और सोनी का ओरिजिनल स्टीरियो माइक है। इसके अंदर भी विंडोज के लिए दिया गया है लेफ्ट राइट चैनल, और ये हो गया आपका माइक का कवर, पहना देते हैं इसमें। ये देखिए ये रेडी हो गया, और इसको लगाने के लिए इधर पे साइड में जो बटन है इसमें ये जाता है, इसमें यहाँ पे ये इंसर्ट होता है ऐसे। तो स्टीरियो माइक का सेटअप भी देख लिया,
अभी बॉक्स को हटा देते हैं आपके सामने, बहुत सारा लिटरेचर है इसके अंदर। तो चलिए अभी ये जो वायरलेस ग्रिप है सोनी का, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके अंदर भी एक इंटरेस्टिंग सा पाउच है और लिटरेचर है। पाउच और लिटरेचर को साइड में रखते हैं। अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और ये हो गया आपका इसका ऑन। इसको हम लोग ऐसे भी टेबल टॉप के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप गिम्बल के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। पीछे से मेरे ख्याल से बैटरी आता है। ये इधर से कैमरा को लगाने के लिए मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। ऐसे कैमरा को इंसर्ट किया और इसको भी घुमा के कैमरा को टाइट कर दिया। ऐसे लास्ट जो बचा है वो है चार्जर। चार्जर तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल होगा, आप डायरेक्ट बैटरी इसमें भी चार्ज कर सकते हैं फोन से, नहीं तो चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। मैं यूजुअली फोन को पावर में नहीं देता हूं, मैं चार्जर से ही चार्ज करता हूं। और ये है चार्जर। This is the charger. वो इसका चार्जिंग केबल। तो ये था टोटल अनबॉक्सिंग सारे सामान का, जो बहुत अच्छा बाई है। जैसे आप लोगों को दिखाया ये वायरलेस कॉलर माइक, इसके अंदर स्टीरियो माइक भी आता है, चार्जर, ये वायरलेस ब्लूटूथ वायरलेस स्टैंड, एडिशनल बैटरी, पूरा सेटअप है। और हम लोगों ने एक एक्सट्रीम प्रो 256 GB एडिशनल कार्ड भी ले लिया है। देखा आप लोगों ने बॉक्स के अंदर 64 GB आता है, जो मेरे ख्याल से सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आप अगर बाहर में हैं बहुत देर तक शूटिंग कर रहे हैं या वीडियो फोटो ले रहे हैं, तो कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे ख्याल से 2-3 कार्ड मेरे पहले कैमरे के लिए भी कार्ड जो लिया हुआ था वो भी है, तो मैं वो भी लेके जाऊँगा। लेकिन इसके साथ भी मैंने एक 256 GB एक्सट्रीम प्रो ले लिया है, जो 4K सपोर्ट करता है और HD भी सपोर्ट करता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये बेसिकली आप जो डेटा बैंक है, अगर आप मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे रास्ते के अंदर है, वहां पे अगर आपका बैटरी खत्म हो गया और आपके पास थोड़ा लंच टाइम है या थोड़ा सा टाइम है, तो ये जो चार्जर है इसको आप डेटा बैंक में, सॉरी पावर बैंक में लगा के उससे बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया, क्योंकि ये जो बैटरी है, जो छोटा छोटा बैटरी दिया हुआ है, इसका मुझे लगता नहीं कि इसका बहुत ज्यादा पावर होगा। हालांकि मैं, हम लोग के पास 2 बैटरी है फिर भी, तो अगर आप पूरा दिन का शूटिंग है, मान लीजिए सुबह 7 बजे से रात शाम को 7 से 8 बजे का 9 बजे का शूटिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बैटरी लास्ट नहीं करेगा। उस हालत में आपके पास अगर पावर बैंक है 10,000 mAh का या 20,000 mAh का, उसके साथ ये चार्जर यूज करके ये बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा दाम नहीं है। इसके दाम के बारे में अगर आप जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसका प्राइस जो है शेयर कर दूंगा। ये रमत ने सजेस्ट किया है, रैशनल फोटोग्राफी से मुझे सजेशन मिला है और हर बार की वो कुछ ना कुछ मुझे बहुत अच्छा कुछ सजेस्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग ऐसे कैमरा या ऐसे चार्जर ले रहे हैं, या जैसे GoPro का चार्जर हो या कुछ भी हो, उसको अगर आपको यूज करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके साथ मैंने एक सर्कुलर पोलराइजिंग फिल्टर, CPL जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली मेरा α7 Mark IV के लिए मैंने लिया हुआ है। मेरा जो सिग्मा का लेंस है उसके लिए मैंने ये CPL फिल्टर लिया है, और ये ND भी उसी के लिए लिया है। दोनों ही 82 माउंट का है, जो मुझे चाहिए ड्यूरिंग माई ट्रैवल। तो ये था कैमरा और इक्विपमेंट्स। इसके साथ मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे लेना था बहुत दिनों से, तो मैंने कल ले लिया इसको। ये है एक बहुत ही काम का ट्राइपॉड। बेसिकली ये ट्राइपॉड जो है ये ट्रैवल के लिए, ट्रैवलर्स के लिए वरदान है। कल ये भी मुझे रैशनल फोटोग्राफी ने ही सजेस्ट किया, रहमत ने सजेस्ट किया। मुझे चाहिए था एक बहुत ही लाइट वेट, हल्का छोटा सा ट्राइपॉड,
और लेकिन ड्यूरेबल चाहिए था, ऐसा नहीं कि बहुत हल्का बहुत पतला सा हो। तो उसके लिए मैंने ये वाला ट्राइपॉड जो रहमत ने जब दिखाया कल, ये मैंने लिया है। बेसिकली बहुत अच्छा बिल्ड है, मतलब इस प्राइस पॉइंट में जो प्राइस मुझे मिला है, जिस प्राइस में मुझे मिला है, इस प्राइस पॉइंट में इतना हैंडी छोटा सा एक ट्राइपॉड जो कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और इसका क्वालिटी, इसका जो कैरी केस है बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। ये फोटो प्रो का है, मेरे ख्याल से अगर ये मैनफ्रोटो का होता तो करीब करीब 40-50 हजार रुपया दाम होता, लेकिन इसका जो प्राइस है ये अनबिलीवेबल प्राइस है। मतलब आपको प्राइस के लिए हम लोग को कमेंट करना होगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करूंगा। एक बार मैं एक झलक दिखा देता हूं ये, और इसका यूजेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये हो गया इसका अनबॉक्सिंग, मतलब अनपैकेजिंग एनीवे। तो इसके अंदर से देखिए मैं दिखाता हूं, ये है मेन ट्राइपॉड देखिए, और ये कार्बन फाइबर का है। कैन यू बिलीव इट, इसका जो प्राइस है, जब मैं प्राइस बोलूंगा आप लोग मतलब सोचोगे कि कैसे, मतलब ये वरदान है। ये 900 ग्राम का है, 900 ग्राम का है, ट्रैवल के लिए मतलब बहुत ही हैंडी है। मेरे तो मेरा जो मतलब जो रिक्वायरमेंट था वो पूरा फुलफिल हो गया। और इसमें बॉल हेड भी है, इसके अंदर आता है, और ये 3-in-1 है, ट्राइपॉड है, मोनोपॉड है, और सेल्फी स्टिक भी है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि ये तीनों तरह से कैसे काम कर सकता है। तो चलिए दिखाते हैं अभी इसका यूजेबिलिटी। ये जो ट्राइपॉड है इसको ऐसे अनलॉक करते हैं, और यहाँ पे मल्टी लेवल लॉकिंग है, और ये जीरो भी हो जाता है। मैं आपको पहले जीरो करके ही दिखा देता हूं। ये है जीरो, सॉरी, ये है जीरो, ये देखिए ये जीरो हो गया, ठीक है ना। अब मल्टीपल पॉइंट में भी इसको लॉक कर सकते हैं। और इसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं हम लोग। और इसको भी ऊपर में और बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका यूजेबिलिटी में दिखा दिया, इसमें क्या हो सकता है। उसके बाद देखिए इसको हम लोग खोल सकते हैं, ये देखिए इसको यहां से खोल लिया, और इस हेड को यहां से खोल लिया, इस हेड को भी हम लोग खोल सकते हैं। ये बॉल हेड है, इसको खोल लिया, फिर इसको यहां से खोल लिया, तो ये फिर आपका बन जाएगा मोनोपॉड। ये लग गया यहां पे, और फिर आप बॉल हेड लगा लीजिए, ये देखिए ये बन गया मोनोपॉड। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, तो ये आपका मोनोपॉड की तरह भी काम करेगा। आप सेल्फी स्टिक भी यही बनेगा, क्योंकि इसको भी आप यूज कर सकते हैं एज ए सेल्फी स्टिक, जैसे पकड़ लीजिए ऐसे, और ये बॉल हेड है, तो इसको अगर मैं घुमा लेता हूं, ये देखिए ये अभी बन गया सेल्फी स्टिक। तो ये बेसिकली 3-in-1 सेटअप है, ट्रैवलर्स के लिए हेवन है, मतलब शर्ट टाइप है, मतलब इतना अच्छा लगा मुझे ये। और बहुत ही लाइट वेट है, 900 ग्राम्स का है, हाँ ये कार्बन फाइबर का है, लेकिन इसका जो मेन कैच है, इतने फीचर के साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी, मतलब अगर आप लोग इसको यूज करेंगे, ये एलॉय का, और इसको आप यूज जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका कितना अच्छा क्वालिटी है। इतना अच्छा क्वालिटी के साथ ये जिस प्राइस में आ रहा है, और जो जो फीचर्स दे रहा है, मेरे ख्याल से मार्केट में ऐसा कोई भी ट्राइपॉड नहीं है। और देखिए आपको अगर वेट करना, अगर आपको लगता है कि ट्राइपॉड लाइट हो गया है और आपका कैमरा वेट है, आप यहाँ पे वेट भी दे सकते हैं। अगर आपके पास सैंड बैग नहीं है तो आप अपना जो कैमरा बैग है उसको भी यहाँ पे माउंट करके इसमें वेट भी दे सकते हैं स्टेडीनेस के लिए। और ये 8 किलो तक लोड ले सकता है, तो मोटा मोटी आपका
एक बड़ा कैमरा लेंस के साथ ये जा सकता है। तो इसीलिए ये कार्बन फाइबर का है, ड्यूरेबल है और बिल्कुल भी हल्का पतला नहीं है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज़ कि प्राइस के बारे में इसका अगर आपको जानना है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि इसका असली मजा जो है प्राइस में है। अगर आपको प्राइस जानना है, आप प्राइस जानेंगे तो आप जाके यही ट्राइपॉड खरीदने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रैवलर्स के लिए और मल्टीपर्पज यूटिलिटी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, ये था हम लोगों का कैमरा शॉपिंग जर्नी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। और भी कुछ आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम लोगों का जो आगे आने वाला सीरीज़ है, जो ट्रैवल सीरीज़ है अब्रॉड का, पेरिस और स्विट्ज़रलैंड का, उसका पूरा डिटेल्स आने वाला है। तो जैसे ही आपको वो मैं हम लोग वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप लोग हम लोग का जो एंटायर अब्रॉड जानी है, पेरिस या स्विट्ज़रलैंड का जो ट्रिप है उसके बारे में आप लोगों को सारे जानकारी मिल जाएगा। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।